हाय फ्रेंड्स, इट्स निकुंज। सुबह के 3 बज रहे हैं और हम अभी निकलने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड। आज का हमारा ये सफ़र हरिद्वार तक का होने वाला है। मैं आपको हरिद्वार हर की पौड़ी लेकर चलूँगा। तो चलिए हम शिवजी का नाम लेकर सफ़र शुरू करते हैं। हमारी कैब नीचे आ चुकी है। मैंने हरिद्वार के बारे में कई बार सुना था, तो किसी प्लेस के बारे में इतना ज़्यादा सुनने से अच्छा है क्यों ना हम खुद जाकर दर्शन कराएं। पता है सफ़र की खास बात क्या होती है? एक लंबे सफ़र में आपको कई प्रकार के मौसम महसूस करने को मिलते हैं। कभी अंधेरा तो कभी सवेरा, कभी धूप तो कभी छांव, कभी बारिश तो कभी किसी की सिफारिश। घर में बैठे बैठे पक जाते हैं, क्या करें क्या ना करें इसी ख्याल में पूरा दिन कट जाते हैं। बहुत घूम लिया दूसरों के ख्यालों में, तो चलो आज कहीं और घूम कर आते हैं। अभी हमारी मंजिल काफ़ी दूर है, तो क्यों ना थोड़ा सा चाय का मज़ा ले लिया जाए। और वैसे भी चाय के बिना हर सफ़र अधूरी रहती है। बस हमें कहीं आगे ढाबा मिल जाए ताकि हम रुककर चाय की चुस्की ले सकें। चाय बनने से लेकर चाय ग्लास में भरने तक बहुत ही बेचैनी से भरा होता है। कोई उस दिन चाय की दुकान पर कह रहा था, चाय अच्छी नहीं बनी है। मैंने एक और चाय लिया और कहा, सुनो चाय को कभी बुरा नहीं कहते, चाय तो अच्छे ही होते हैं, बस हमारे मिजाज कुछ सही नहीं रहते। चाय की चुस्की लेने के बाद हमने फिर से सफ़र शुरू किया। रास्ते तो कमाल के थे, हर पल को हमने भी खूब जिया। हम उत्तराखंड के बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। अभी आप कभी उत्तराखंड आते हो, यहाँ के बॉर्डर पर आपकी चेकिंग होगी। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो सही है, वरना आपको यहाँ टेस्ट करवाने होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ आने से पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा जो आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल कार या कैब से जा रहे हैं तो आपको पास भी बनवाने होंगे। तो बस आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अगर आप अभी उत्तराखंड का ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो चलिए हम अपना अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। उत्तराखंड बहुत ही प्यारा जगह है। जैसे ही आप उत्तराखंड में घुसोगे आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगा, जो आपके सफ़र को और भी ज़्यादा सुहाना बनाएगा। अगर आपको नींद भी आ रही होगी तो उत्तराखंड की खूबसूरती आपको जगाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये पतंजलि योग पीठ है। इसके बारे में आप में से कई जानते होंगे। पतंजलि योग पीठ भारत का सबसे योग शिक्षा संस्थान है। इसकी स्थापना स्वामी रामदेव द्वारा योग का प्रचार करने एवं इसे सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ये हरिद्वार में ही स्थित है। आचार्य बालकृष्ण इसके महासचिव हैं। तो फाइनली हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ अब आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, जो हरिद्वार को वाकई ही खूबसूरत बनाता है। जज्बातों से भी बना एक सुंदर सा संसार होता है, जज्बातों से भी बना एक सुंदर सा संसार होता है, जहाँ मनुष्य और ईश्वर का मिलन हो वो हरिद्वार होता है। यहाँ बहती निर्मल गंगा की धारा है, ये हर आदमी का द्वार है, ये हरिद्वार है, ये हरि का द्वार है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, यहाँ मनसा देवी का मंदिर है, जो कि हर की पौड़ी के शिवालिक पहाड़ियों पर बलवा पर्वत की चोटी पर सर्प की देवी मनसा देवी का मंदिर बना है। मंदिर से माँ गंगा और हरिद्वार के अद्भुत दर्शन होते हैं। तो ये रहा हमारा पार्किंग, हम पहुँच चुके हैं हरि के द्वार, हरिद्वार। अब हम हर की पौड़ी गंगा स्नान को जाने वाले हैं। आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तो जब तक हम यहाँ स्नान करके पूजा कर लेते हैं, आप हर की पौड़ी का दर्शन कीजिए और मैं आपको इस जगह के बारे में कुछ रहस्य बताता हूँ। धर्मनगरी हरिद्वार, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जिसकी कथा का इतिहास बहुत पुराना है। माँ गंगा, जिसे मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी और कष्ट हरने वाली के साथ साथ जीवन देने वाली भी कहा जाता है। देवनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी के नाम से विख्यात है। माँ गंगा का ये पावन तट, जहाँ देश दुनिया से
श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा का विश्वास लेकर आता है। हर की पौरी की महिमा और कथा की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री हरि आए थे और इस स्थान पर उनके चरण पड़े, इसलिए इसका नाम हरि की पौरी पड़ा, जिसे हम सरल भाषा में हर की पौरी के नाम से जानते हैं। यहाँ सुबह शाम दोनों समय आरती होती है। माँ गंगा की यह आरती बड़ी ही भव्य और दर्शनीय होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और पुरोहित मिलकर इस पावन आरती को करते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब विश्वकर्मा जी अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानवों से बचाकर अमृत लेकर जा रहे थे तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहाँ पर वे गिरी थी वो स्थान हर की पौरी था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौरी या ब्रह्मा कुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। ये माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्र की दिशा पकड़ती है। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पद चिन्ह हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। ये घाट गंगा नदी के नहर के पश्चिम तट पर है, जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। अगर देखा जाए तो कई सारी कहानियाँ हैं जो हर की पौरी से जुड़ी हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताई ये काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ आना कोई मुश्किल नहीं है, आने के लिए हर तरह के संसाधन मौजूद हैं। देश के हर कोने से यहाँ आने के लिए भारतीय रेल सुगम और कई संसाधन हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं, साथ ही बस और टैक्सी द्वारा भी यहाँ आना जाना आसान है। यहाँ रुकने के लिए भी हर तरह की सुविधा मौजूद है, जिसको जैसी सुविधा चाहिए वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से यहाँ रुक सकता है। होटल धर्मशालाओं के साथ निःशुल्क यात्री रैन बसेरा का भी यहाँ व्यवस्था है। अगर खाने की बात की जाए तो हर तरफ खाने के ढाबे, होटल और निःशुल्क लंगर भी मौजूद हैं। हरिद्वार के लिए एक बात और भी कही जाती है कि यहाँ आने वाला कोई भी कभी भूखा नहीं सोता। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो आप भी कभी प्लान बनाओ और हरिद्वार के दर्शन को निकल जाओ। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।